फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। कॉन्फिडेंस क्या है? व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में हर साइड में बहुत मदद करता है। वो हमारे हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है, चाहे हम अपने स्कूल में हो, अपने ऑफिस में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर हम कहीं भी हो, कॉन्फिडेंस हमें चाहिए होता है। एक लीडर को अगर काफ़ी सारे बंदों को अपने भरोसे में लेना हो और अगर उसमें खुद ही कॉन्फिडेंस ना हो, तो वो एक भीड़ को अपने कॉन्फिडेंस में कैसे ले सकता है? एक ऐसे ही जीती हुई टीम हार जाती है, उसमें कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। एक अगर आप एक सेल्समैन हो, आपको कोई चीज़ बेचनी है, आपको कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, आप कैसे करोगे? आपकी लिसनिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आप एक कॉन्फिडेंट की तरह वहाँ पे पेश आओगे। अगर आप ये काम करते हो, तो कस्टमर्स आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। कॉन्फिडेंस का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे ही वो स्टेज पे आते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंसली बात करते हैं और उनका बैकग्राउंड एक गरीब परिवार से है। और ऐसे ही अगर हम अंदर से खुश होंगे तो बाहर भी हम खुश होंगे, लेकिन अगर हम अंदर से दुखी होंगे तो हम बाहर भी कहीं ना कहीं दुखी ज़रूर होंगे। कॉन्फिडेंस इंटरनल आता है, हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, बाहर से कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें अपना हर काम मुस्कुराते हुए और कॉन्फिडेंसली करना चाहिए। अगर हम अंदर से खुश होंगे तो आसपास का हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है। मुस्कुराते रहिए और ये ध्यान रखिए कि आपको कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस पे उदास होने की बजाय ये सोचिए कि जो आपसे गलती हुई है वो आगे कभी ना होए। अपने नेगेटिव थॉट्स जहाँ पे है वहाँ पे छोड़ देने चाहिए और उनको रिप्लेस करके अपने पॉजिटिव थॉट्स बना लेने चाहिए। आप जो भी काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, जैसे अपने स्कूल का, अपने पढ़ाई का, जैसे मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।